मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार 23 जुलाई को पेश कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दौरान देश के युवाओं की नाराजगी को दूर करने के लिए कई अहम कदमों का ऐलान किया। मोदी 3.0 के पहले बजट को लेकर जहां भाजपा नेता जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं इस बजट को लेकर लोकसभा के नेता, प्रतिपक्ष और कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट बताया है। राहुल गांधी ने इस बजट को सहयोगियों को खुश करने वाला बताया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि बजट में अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे यानी कि सहयोगियों से खोखले वादे किए गए। राहुल ने कहा कि यह बजट अपने मित्रों को खुश करने के लिए लाया गया है, इससे AA को लाभ होगा और आम भारतीय को कोई राहत नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने इस बजट को कॉपी पेस्ट करार दिया है। राहुल ने दावा किया कि बजट कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट से कॉपी किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसे कॉपी पेस्ट करार दिया है। खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक से कॉपी भी नहीं कर पाया मोदी सरकार का नकलची बजट। मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी अधूरी रेवड़ियां बांट रहा है ताकि NDA बची रहे। ये देश की तरक्की का नहीं, मोदी सरकार बचाओ बजट है। बजट पर विपक्ष के नेता और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने UP की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो प्रदेश प्रधानमंत्री देता है उसके किसानों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा, यदि हम यूपी का ही हाल देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी और बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी की जाती है। अगर इनकी प्रोजेक्ट देख लें तो कोई भी समय पर पूरा नहीं हुआ है। सरकार बचानी हो तो अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने बजट को लेकर कहा कि यह बजट महिलाओं की सुरक्षा को लेकर होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बजट में कुछ भी नहीं है, किचन का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि मोदी सरकार महंगाई के बारे में कोई कदम नहीं उठाना चाह रही। केंद्रीय बजट पर TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, यह कुर्सी बचाओ बजट है जो NDA है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ रखने के लिए यह बजट है। यह बजट देश के लिए नहीं है, बंगाल के लिए तो कुछ भी नहीं है। वो बंगाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनका बंगाल से सफाया होगा। बजट को लेकर बिहार के पूर्व CM राबड़ी देवी ने कहा कि बजट में बिहार के लिए केवल झुनझुना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनता को ठगने का काम करती है। नीतीश कुमार की मांगे पूरी नहीं हुई, उन्हें NDA को छोड़ देना चाहिए। राज्य में बाढ़ आ रही है, पुल टूट रहे हैं, लोगों के घर डूब रहे हैं, इस पर कोई काम नहीं हो रहा। बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है, खाद बीज महंगा हो रहा है, किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है। मोदी सरकार के 3.0 के पहले बजट को लेकर विपक्षी नेताओं ने इस तरीके से अपनी बातें कही। रेडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।